शीर्ष काले हाथी को मार दी जाए। The taste of victory. नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सबके साथ लगातार। आज लखनऊ की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। मोदी सरकार ने हर तबके की उम्मीदों को पूरा करते हुए इस साल कई बड़े ऐलान किए हैं। कुछ लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे सपनों का बजट बता रहे हैं। किसान, मजदूर और नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लगभग 3 करोड़ करदाताओं को फायदे का अनुमान है। 1 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6,000 रूपए 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा लाभ। आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5% तक की छूट। हर महीने 3,000 की पेंशन मिलेगी। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ के आवंटन का ऐलान। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन। रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ के पार चला गया है। स्मार्ट सिटी के वादा बदले, 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की को मंजूरी दी गई। एडीआई लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रमुख का महामंत्री हूँ। आप लोग भाजपा कार्यालय के बाहर जो की खुशियाँ मना रहे हैं, क्या कारण है आपको? देखिए, ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है आज। ऐसा बजट जिसकी आम जनता, आम व्यापारी केवल कल्पना मात्र कर सकते थे, उस कल्पना को साकार किया माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी व्यापार सरकार ने। जो भी हिंदुस्तान में सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरीके से व्यापारी पार्टी है। इस बजट से हम सबको ये सूचना प्राप्त हो गई। व्यापार घोष का नगर अध्यक्ष, आज जो बजट पेश हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, ये निश्चित ऐतिहासिक बजट है। 47 के बाद ऐसा बजट पहली बार आया है जिसमें सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक छूट दी गई है। आयकर सीमा में जो 5 लाख रुपये तक की छूट करी गई है उसको मुक्त किया गया है और 6.5 लाख निवेश के साथ जो छूट दी गई है वो निश्चित तौर पर आम जनमानस, आम व्यापारी सबके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगी और जो भारत एक आर्थिक रूप से समृद्धता की ओर बढ़ेगा। और ये बजट केवल आज को गया है बल्कि आने वाले 10 साल का विजन इस बजट के अंदर है। और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भारत की जनता को सनायक रूपा दिया है। और व्यापारी समाज को जो कंपोजिशन स्कीम में उन्होंने जो छूट दी है, आज 40 लाख तक लगभग जिसके अंदर हमारा 70% व्यापारी आता था, वो इस GST के दायरे से मुक्त है। छोटे कारोबारियों को अब कोई भिगत पड़त नहीं करनी है। बड़े व्यापारियों को 3 महीने में क्वार्टरली केवल 1 करदाई करना है, जिससे उनके ऊपर काफ़ी आर्थिक भार घटेगा और वो अपना सारा फोकस अपने व्यापार में लगा पाएंगे।